संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ समय से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, इसका कारण है कि नेट की समस्या चल रही है। जो नागरिकता बिल पेश किया गया था उसके संदर्भ में दंगे हो रहे हैं जगह जगह। अलीगढ़ में विशेष रूप से इसको नेट को बंद कर दिया है और 8 दिन हो गए हैं करीब करीब, फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पता नहीं आपको ये वीडियो कब मिल पाएगा। खैर चलते हैं निरुक्त में। आज हम निरुक्त के उद्देश्य जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात निरुक्त पढ़ते क्यों हैं, निरुक्त का उद्देश्य क्या है, उसके प्रयोजन क्या है, और उसके बाद फिर 2 से 3 वीडियो में निरुक्त को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है, निरुक्त के सिद्धांत हैं उसके बाद, और फिर निर्वचन पर सीधे चलेंगे। कुछ शब्द हैं निर्वचन में तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके नेट में, JRF में या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसमें कुछ विशेष शब्द दिए हों उनका निर्वचन करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करेंगे तो 3 से 4 वीडियो में आपके ये समाप्त हो जाए। तो निरुक्त के आज हम उद्देश्य देख लेते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इसके प्रयोजन क्या है। निरुक्त के उद्देश्य प्रयोजन, ठीक है, एक ही चीज है। और ये आपके विशेष रूप से पूछा जाता है, अलग से टॉपिक दे रखा है उसमें। मैंने बताया था आपको कि एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, धीमे धीमे सारे करा दिए जाएंगे। इसमें कुछ उद्देश्य बता दिए हैं मुख्य, और उनको फिर विस्तृत में ही समझाने का प्रयास किया है। मैं थोड़ा थोड़ा समझाने के बाद फिर उसको विस्तृत में समझाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। पहला ही उद्देश्य है इसका, निर्वचन करना, या यूं करिए कराना, ठीक है। निर्वचन, देखिए जब हमने शुरू में अध्ययन किया था तो उसमें 2-3 शब्द आए थे, याद होंगे शायद आपको, समामनायः, समामनातः, सा व्याख्या तब्या। ये वही चीज है, ये निर्वचन की सीधी बात यहीं कर रहे हैं कि जो समामनाय थे, जो वेदों में शब्द थे, उनको इकट्ठा कर लिया है, अब उनकी हम या उन शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए। तो निर्वचन क्या है, निर्वचन शब्दों की व्याख्या ही तो है। 2 प्रकार के शब्द होते हैं मुख्य रूप से, सभी शब्द धातुज होते हैं या यौगिक, कुछ शब्द यौगिक के रूप में भी माने गए हैं। धातु जो यौगिक शब्द हैं उनके अवयवों का निरूपण करना, उनका जो अवयव है धातु से जो शब्द बने, तो वो शब्द कैसे कैसे बने, उन सारे अवयवों का, अंगों का निरूपण करना ही निर्वचन कहलाता है। निरूपण करना, ठीक है। इसलिए जो पहला उद्देश्य, और ये मुख्य उद्देश्य है निरुक्त का, ये मुख्य उद्देश्य भी है और पहला उद्देश्य भी है, निर्वचन करना, शब्दों के अवयवों का निरूपण करना ही निर्वचन कहलाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे उद्देश्य पर चलते हैं। दूसरा उद्देश्य दिया है मंत्रों के अर्थों का ज्ञान कराना। प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, हमेशा इसी में से पूछ लेता है, इतना ही है। जो उद्देश्य 5 हैं, 5 बताने का प्रयास करूंगा। कहीं कहीं किसी किसी किताब में जो पुस्तक है उनमें 4 उद्देश्य दिए, लेकिन 5 उद्देश्य हैं इसके, जो ऑथेंटिक पुस्तक हैं, जो प्रमाणित पुस्तक मानी जाती हैं। मंत्रों के अर्थों का ज्ञान कराना ये द्वितीय है और मुख्य उद्देश्य भी यही है। प्रथम तो निर्वचन करना ही था, लेकिन मंत्रों के अर्थ का ज्ञान भी निरुक्त के माध्यम से चलता है, इसमें बोला गया है, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। अथापि इदम अंतरेण,
तथापि इदम अंतरेण। मंत्रेश्व अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। ठीक है, ये इसमें बोला गया। अथापि किस तात्पर्य क्या है, अभी और भी है इसमें। अथापि से तात्पर्य है और भी, यानी कि ये तो मुख्य हो गया उद्देश्य, उसके बाद में जो भी यहां बताए जाएंगे वो और भी करके हैं, अर्थात गौण उद्देश्य माने जाएंगे। वैसे ही गौण उद्देश्य उन्होंने दिया नहीं है कहीं, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अथापि शब्द कह रहा है कि और भी इसको उद्देश्य है इसको छोड़ करके। तो क्या है, इदम अंतरेण मंत्रेश अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, अर्थात जिसके द्वारा मंत्र के अर्थ को नहीं जाना जा सके, अर्थात उसका ज्ञान ना हो सके, तो क्या करना है उसको। आगे इसी में बोला है अर्थ को जानना क्यों है, अर्थम प्रत्ययतो न अत्यंतम स्वर संस्कार। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्सन्यम् तद्विद्यते। स्वार्थम् साधकम् च। अब बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अथापि इदम् अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, और भी है ऐसा इसमें बोला गया है, इसके बिना, किसके बिना, निरुक्त के बिना जो अर्थ है मंत्रों के, जो अर्थ हैं उनकी भी जानकारी आपको नहीं हो सकती। और मंत्रों के यदि अर्थों की आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी तो अर्थम प्रत्ययतो न अत्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य, तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले स्वर उदात अनुदात स्वरित हैं, संस्कार पद विभक्त जो किए जाते हैं, पद विभाग किए जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से भी, तो वो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी बिना अर्थों के। तद इदम विद्या स्थानम व्याकरण से कार्सनम, तो निरुक्त क्या है, तो वह इसलिए वह निरुक्त व्याकरण संपूर्ण व्याकरण के स्थान पर भी, यानी उसका पूरक के रूप में माना जा सकता है। स्वार्थम साधकम चा, वो अपने अर्थ का भी साधक है। ये दो इसके व्यवस्था दी गई है, पहले तो इसके बिना अर्थों की जानकारी नहीं होगी, दूसरी जब अर्थों की जानकारी नहीं होगी तो उसमें कौन कौन से स्वर प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन से पद विभक्त करने हैं उनको, वो सारी जानकारी नहीं हो पाएगी। और इसलिए यह जो निरुक्त है वो व्याकरण के पूरक के रूप में, संपूर्ण के पूरक जो होता है ना, जैसे इसकी जगह ये भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसमें व्याकरण से कार्सन है, संपूर्ण व्याकरण के पूरक के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। और स्वार्थम साधकम चा, और अपने अर्थ का भी वो साधक है, ये निरुक्त के अनुसार दूसरा उद्देश्य माना गया है निरुक्त का। ठीक है, साफ आ रहा नहीं आ रहा ये देख लें जरा, तो ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा प्रयोजन क्या है, इसमें बोला गया है पद विभाग का ज्ञान कराना। पद विभाग का ज्ञान कराना, वेदों में वेद क्या है, संहिताएं, वेदों को संहिता के रूप में जाना जाता है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, संहिता के रूप में जाना जाता है। उसमें सूत्र आते हैं, हम जानते हैं सब, प्रहा सन्निकर्षः
संहिता या पद प्रकृति संहिता, ये दो सूत्र है। ये व्याकरण में हम सब जानते ही हैं, पद प्रकृति संहिता ये प्रातिशाख्यों में प्रयोग किया गया है। पद पर आश्रित जो रहे वो संहिता होती है। संहिता क्या है प्रातिशाख्यों के अनुसार? जो पद को आश्रित बना करके अपना अस्तित्व बनाए रखे वो संहिता है। ऐसे इसमें भी कहा गया परासन्निकर्ष संहिता, यानी पदों के नजदीकता को, बहुत सन्निकर्षता को संहिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जो संहिता है उसका जब हम पद पाठ करेंगे, क्योंकि उसका अर्थ कैसे निकलता है, पद पाठ के द्वारा ही तो अर्थ निकलता है। जब पद पाठ किया जाएगा तो उसको पदों में विभक्त किया जाएगा, तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं लगती हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं, क्योंकि उदात अनुदात स्वरित जो चिन्ह हैं उनको भी बदल दिया जाता है जब संहिता से पद पाठ में जाते हैं। अवग्रह चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, समासों को भी तोड़ा जाता है, संधियों को भी अलग किया जाता है, तो बहुत सारे इसमें बदलाव किए जाते हैं। तो इसका ज्ञान कौन कराएगा, पद विभाग का ज्ञान कराना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। सबसे पहले जो पद विभाग करने वाले थे यानी पद को बताने वाले थे वो शाक्तायन माने जाते हैं। ऐसे ही यहां पर जो निर्वचन बताया है, तो एक दुर्गाचार्य हैं, दुर्गाचार्य जी हैं, उन्होंने बताया है कि निरुक्त एक भाष्य है, इस तरह से उनको व्याख्या दिया है। खैर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये बहुत पूछ लेता है कभी प्रश्न उत्तर इसमें। ठीक है, चलिए अब हम चौथा देखते हैं। अथापि वाला जो व्यवस्था है वो इसमें ही प्रयोग कर देंगे आप, ए वाली अथापि का तो इसमें सब में प्रयोग हुआ। अथापि अंतरण पदम विभागो न विद्यते, इस तरह से इसमें भी प्रयोग किया, अर्थात इसके ज्ञान के बिना पद का विभाग भी नहीं हो सकता। चलिए चौथा है, देवताओं का ज्ञान कराना। दैवत कांड के नाम से भी इसमें एक कांड है, अर्थात देवताओं को बहुत विस्तृत रूप से इसमें समझाया है और वो नेट की परीक्षा में भी आता है। इस बार से वो लागू कर दिया है, नए सिलेबस जब चेंज किया गया था, तो देवताओं के बारे में भी ये ज्ञान को प्राप्त कराता है। इसका ये चौथा उद्देश्य है। इसमें बोला गया है अथापि यागे देवतेन चेद ब्रूयु लिंगया अत्र स्मृति। देवताओं को ज्ञान कराना, तो इसमें यह बोला गया है अथापि याज्ञे देवतेन बहुवा प्रदेशा भवंती। प्रदेशा जो प्रयोग किया गया है यहां पर वो विधियां, विधियों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो जब यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ में बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग यज्ञ में अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कौन से यज्ञ में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा ये सिर्फ देवताओं के द्वारा ही जाना जा सकता है। अर्थात देवताओं का आपको जब ज्ञान हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कौन से देवता के लिए कौन सी विधि के द्वारा यज्ञ किया जाए। इसलिए निरुक्त का मुख्य उद्देश्य में जो चौथा उद्देश्य है वो देवताओं के ज्ञान को भी रखा गया है, क्योंकि बिना इसके उद्देश्य के आप यज्ञ की विधियों को नहीं जान सकते। तेन तद एन उपेक्षितव्या, इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात इसको जान लेना अवश्य चाहिए, देवताओं को अवश्य जान लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ते चेद ब्रुयु लिंगया अत्र स्मृति, कुछ लोग कहते हैं कि उनको लिंग के द्वारा भी जान सकते हैं देवताओं को, लेकिन वो ऐसा कहकर के वो भूल करते हैं, ये इसमें बोला गया है। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, देवताओं को भी ज्ञान कराया जाता है, किसके द्वारा, निरुक्त के द्वारा, ये चौथा उद्देश्य है। पंचम और अंतिम उद्देश्य है प्रशंसा प्राप्त कराना। इसमें बोला गया है अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति, अज्ञान निंदा च। तो प्रशंसा प्राप्त कराना, अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति। अब निरुक्त से ज्ञान की प्रशंसा कैसे होती है, निरुक्त से वेदों के अर्थ को जान करके उसका ज्ञान अर्जित करके व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बन जाता है, लेकिन वही यदि इस निरुक्त को पढ़ने के बावजूद भी या किसी और का अध्ययन करने के बाद वो अज्ञान ही बना रहे तो अज्ञान निंदा चा, तो उस अज्ञान की निंदा भी होती है। इसमें एक दो बहुत सारे इसमें श्लोकों के माध्यम से समझाया है, सभी को तो नहीं समझा पाऊंगा, बस दो हैं उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें बोला गया है स्थान भार हारहा किलाभूत अधित्यम वेदम न विजानाति यो अर्थम। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो वेद को पढ़कर भी उसके अर्थ को नहीं जानते हैं वो कैसे होते हैं, स्थाणु अयम भार हारा, जो भार ढोने वाले होते हैं एक मान के, इस तरह से मान के चलिए गधे की तरह, या स्थाणु अयम या जो ठूंठ होते हैं उसकी तरह वो मूर्ख होते हैं, ये इसमें बोला गया है। इसमें आगे पंक्ति है यो अर्थ गया सकलम ना कमेति ज्ञान अभूत। पापमा इसमें बोला गया है यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अशमते नाकमेति ज्ञानम विद्युत पापमा।
अर्थात उन वेदों के अर्थ को जान करके वो समस्त कल्याणों को प्राप्त होते हैं। भद्रम अशुनते, यानी कि उनको समस्त कल्याण उनको प्राप्त हो जाते हैं। और नाकमेति ज्ञान विद्युत पापमा, और वेदों को ज्ञान प्राप्त करके वो सारे पापों से दूर होकर के स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर केवल इसने प्रशंसा की बात करी है कि प्रशंसा प्राप्त करना है, तो प्रशंसा सिर्फ ज्ञान की होती है। यहां ज्ञान और प्रशंसा को जोड़ दिया है, तो इसीलिए यहां पर ज्ञान की यहां पर भी चर्चा कर दी है कि वेदों के अर्थ को जो नहीं जानते हैं वो ठूंठ के समान, या जो गधे होते हैं भार को ढोने वाले होते हैं उनके समान मूर्ख ही रहते हैं, और जो उनका अर्थ को जान लेते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो उस ज्ञान के द्वारा समस्त कल्याण को भी प्राप्त हो जाते हैं और वेद के ज्ञान से पाप को दूर करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ये इसमें बोला गया है। इसमें एक श्लोक और है, उसको आपको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूं मैं तो और बातें समझ में आ जाएंगी। यद गृहीतम विज्ञातम निगदित, शुष्केन्धो तज्ज्वलति कनिचित्। यद् गृहीतं विज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते अग्निनाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। जैसे इसमें बताया गया था कि बिना ज्ञान के, बिना अर्थ के वेदों को जानना ठूठ के समान, मूर्खता के समान ही है। इसी तरह से इसमें बोला गया यद गृहीतम अविज्ञातम, बिना जाने हुए जिसने कंठस्थ कर लिया, बिना उसके अर्थ को जाने हुए वेदों को रटने वाले बहुत हैं। संस्कृत में तो विशेष रूप से यही चल रहा है, बस उसको रट लेते हैं, उसका अर्थ क्या है समझ में आज तक नहीं आता। तो बिना उसको जाने हुए उसको कंठस्थ कर लेना या याद कर लेना, निगदते नैव शब्दते, और उसको बार बार शब्द के द्वारा ही उसका उच्चारण करते हैं, जैसा वो हमने कंठस्थ किया उसको वैसा ही दोहरा देते हैं। तो वो कैसा है उसका दोहराना दोहराना, कोई भी मंत्र है उसको कंठस्थ किया और फिर उसको बार 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 उसको रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आजकल शादी विवाह में तो यही होता है, जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनके मंत्रों का अर्थ भी खुद को नहीं पता। जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, तो औरों को तो बताएंगे क्या, तो उसकी चर्चा यही कर रहे हैं। वो कैसा है उसका याद करना, अन अग्नविव शुष्क एधो न तज्ज्वलति करहिचित, अर्थात वो वैसा ही है जैसे शुष्क सूखी हुई समधा तो हो आपके पास, जैसे ही समधा को आप उस हवन कुंड में रखें लेकिन हवन कुंड में अग्नि ना हो, तो कितनी भी सूखी हुई समधा हो, कितनी सूखी हुई लकड़ी हो, वो कभी भी प्रज्वलित नहीं हो सकती। अर्थात जो हमारा ज्ञान है उसको, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें जो भी चीजें करनी है उसको पहले कंठस्थ बाद में करना है, पहले उसके अर्थ को जान लेना जरूरी है। तो ये प्रशंसा प्राप्त जब ही हो सकती है जब आप कुछ भी बोल रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं और जान नहीं रहे हैं तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। तो ये पांचवा उद्देश्य निरुक्त के अनुसार प्रशंसा प्राप्त कराना भी है, और प्रशंसा प्राप्त उसी को होती है जो अर्थ का कहीं ना कहीं जानकार होता है, उसके डीप में उसको समझा सके। तो पांच उद्देश्य हैं, बहुत धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाले समय में हम सिद्धांत को जानेंगे और फिर सीधे हम निर्वचनों को जानेंगे। सिद्धांत में से 2 से 3 प्रश्न मैंने हर परीक्षा में देखे हैं, जरूर आते हैं,
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।